पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनेगी। यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य की आबादी में से 25% ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और मोदी के दूसरे कार्यकाल को वोट दिया, क्योंकि वे जितना भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं उतना ही देश से भी करते हैं। हम सिर्फ नतीजों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस बार हमारे उम्मीदवार भारी वोटों से जीत दर्ज करेंगे। हमें अल्पसंख्यकों के वोट भी मिले हैं, जो दिखाता है कि हम उन्हें अलग करके नहीं देखते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो ऐसी योजनाएं लॉन्च करेंगे जिससे अल्पसंख्यकों को फायदा हो और लोगों को जल्द ही एहसास होगा कि हम यहाँ उनके लिए हैं। आपको बता दें, असम में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए हैं। पहले चरण में 11 अप्रैल को 5 सीटों के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण में 5 सीटों के लिए 18 अप्रैल को वोटिंग हुई। आखिरी चरण का चुनाव 23 अप्रैल को 4 सीटों के लिए हुआ। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस व AIUDF के खाते में 3-3 सीटें आई थी। उस वक्त AIUDF ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। तीनों सीटें मुस्लिम बहुल है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। असम गण परिषद ने 3, जबकि BPF ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में असम गण परिषद ने पिछले साल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उसने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। बता दें, 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद।